एक और बच्चा पतंगबाजी के खूनी खेल की भेंट चढ़ गया। मिस्री शाह में 14 साला सुहेब ने कटी पतंग को लूटने की कोशिश में डोर को पकड़ा ही था कि डोर बिजली के तारों पर जा गिरी और करंट लग गया। बच्चा जहां बहक, मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। वालिदैन को गशी का दौरा। पतंगबाजी खूनी खेल, बसंत की इजाजत देना इंसानी जानों के लिए खतरा। जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरखास्त, बसंत की इजाजत को कल अदम करार देने की सदा। हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर को बुलावा, 15 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मजीद समाप्त के लिए दरखास्त जस्टिस अमीनुद्दीन को भिजवा दी। बाइकॉट बाइकॉट, वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान के पंजाब असेंबली के बाहर डाइस पर आने पर सहाफियों के नारे। वजीर इत्तला'आत मीडिया से गुफ्तगु किए बगैर ही चलते बने। पीपल्स पार्टी ने फयाजुल हसन चौहान के इस्तीफे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी। सहाफियों को बदतमीज कहना शर्मनाक है। फयाजुल हसन चौहान माफी मांगे, हसन मुर्तजा। मेट्रो ट्रेन का पहिया जून जुलाई तक चल पड़ेगा, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का ऐलान। 300 अरब रुपए लग गए, मंसूबा बंद नहीं कर रहे। वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान की हरकत पर सीनियर वजीर की मौसरत, हुकूमत की जानिब से सहाफी बरादरी से मुआफी मांगता हूँ। अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगु। महंगाई महंगाई महंगाई, आवाम की चीखें निकल गईं। नान तो पहले ही महंगा मिल रहा था, अब रोटी की कीमत भी बढ़ेगी। तंदूर मालिकान ने धमकी दे दी। हुकूमत ने गैस की कीमतें कम करने का वादा पूरा नहीं किया। नई कीमतों से मुस्तस्ना करार ना दिया तो रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर देंगे, नान बाई और तंदूर मालिकान एसोसिएशन। शहर में हर तरफ महंगाई का राज, सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गयी, 8 से 10 रुपए इजाफा। आलू 11 के बजाय 15 से 20 रुपए में फरोख, खंडिया की बुनियादी जरूरियात। प्याज लहसुन और अदरक की कीमत भी 10 रुपए तक बढ़ गई। टमाटर की कीमत तो बिल्कुल ही आपे से बाहर, सरकारी रेट 30 रुपए, 50 से 60 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। मुर्गी के गोश्त को फिर से पड़ लग गए, कीमत में 3 रुपए इजाफा। रेट 158 रुपए से बढ़कर 161 रुपए फी किलो हो गया, शहरी चकरा कर रह गए। तवानाई बहरान है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। घरों के चूल्हों में सुई गैस का प्रेशर कम, बिजली की आंख मचोली भी जारी। एलपीजी माफिया भी खुदसर हो गया, 115 रुपए फी किलो वाली एलपीजी 180 से 190 में फरोख। कोयला लकड़ी समेत ईंधन के मुतबादिल जराए के भी मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। और लाहौर न्यूज ने उठाया शहर को चमकाने का मिशन। लाहौर न्यूज की निशानदही पर सफाई की निगरान कंपनियों ने एबर्ट रोड को चमकाया, साथ ही इर्द गिर्द की गलियों और सड़कों की सफाई सुथराई का बेड़ा उठाया। एबर्ट रोड पर लग गया आगाही कैंप, जारी है कूड़े के खिलाफ जंग। दुकानदारों और रिहायशियों में वेस्ट बैग्स और आगाही पंपलेट तकसीम किए गए। लाहौर न्यूज की मदद से शहर को खूबसूरत बनाएंगे अफसरान सफाई कंपनी।